दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई राह क्रम मार्गी नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणकम जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, क्या आपको कभी ये सवाल हुआ है कि दुनिया कैसे चलती होगी? हम सब जो हर रोज काम करते हैं वो हम खुद करते हैं या कोई और करवाता है? अगर कर्मों का सिद्धांत है तो उसका अकाउंट कौन रखता होगा? तो ऊपर कौन है जो इन सब चीजों का संचालन सुचारू रूप से करता है? सचमुच जगत चलाता कौन है? सोच में पड़ गए ना? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। ये गुरुजी व्यवस्थित शक्ति किसे कहते हैं और ये किस तरह से कार्य करती है? व्यवस्थित शक्ति याने नहीं, आप कुछ कड़ी कभी आपने बनाई है? खुद बना सकते हो? खुद अकेले होगे तो बना लोगे आप? अकेले तो नहीं, तो मम्मी की जरूरत पड़ेगी, सास की जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। हाँ। नहीं, आप कोई भी कार्य जिंदगी में, जिंदगी छोड़ो सुबह से लेकर रात तक, एक कार्य आप विदाउट हेल्प ऑफ एनी एविडेंस, कोई व्यक्ति संजोग के बिना आप स्वतंत्र कुछ काम कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अकेले नहीं कर सकते कुछ भी। डर लगता है? नहीं, होता ही नहीं है। होता ही नहीं है? क्यों नहीं होता है? एक चाय, एक कप चाय बनानी है तो आप कुछ अकेले नहीं कर सकोगे? हेल्प के लिए नौकर की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी। हाँ। तो फिर कोई भी कार्य के लिए दूसरे की हेल्प करनी पड़ती है, उसको महीने की यहाँ बोला जाएगा? नहीं, क्योंकि इस संजोग की वजह से हुआ, टाइम की वजह से हुआ, स्पेस की वजह से हुआ, निमित्त की वजह से हुआ, कितने संजोग की वजह से जो भी कार्य होते हैं उसको संजोग के वजह से हुआ बोला जाएगा, मैंने किया वो रॉन्ग बिलीफ है। तो संजोग सब मिलके जो कार्य होता है उसको हुआ सो व्यवस्थित बोला जाता है। नहीं, एक कप चाय बनानी है तो चीनी चाहिए, चाय चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, बर्तन चाहिए, चूल्हा चाहिए, टाइम फैक्टर चाहिए, स्पेस फैक्टर। अभी इधर बता रहा हूं, इधर नहीं बन सकेगी, किचन चाहिए। काल क्षेत्र संजोग निमित्त मिलके जो कार्य होता है उसको रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोला जाएगा। तो उसी को ही आध्यात्मिक भाषा में व्यवस्थित शक्ति ने कार्य किया बोला जाता है। व्यवस्थित याने कमलेश का भी एविडेंस है, मगर कमलेश से भी आप जुदा हो। कमलेश का मन है, बुद्धि है, चित है, अहंकार है, हाथ है, पांव है, दिमाग है, सब एविडेंस प्लस बाहर के एविडेंस मिलके जो कार्य हुआ उसको व्यवस्थित बोला जाता है। समझ में आया आपको? हाँ जी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं व्यवस्थित की। तो ये व्यवस्थित कैसे काम करता है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कि भाग्य में लिखा है वैसा ही होगा। तो क्या हमारा पुरुषार्थ का कोई मतलब है? जब पहले से सब कुछ तय है तो मेहनत करें या ना करें? चलिए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। और व्यवस्थित और डेस्टिनी एक ही चीज है क्या? नहीं, डेस्टिनी यानी जो होने वाला था वो हो गया, ऐसे ही मानते हैं ना? आपने आपने ज्ञान लिया है? हाँ, लिया है। व्यवस्थित यानी क्या बताते हैं कि पूरा प्रयत्न करने के बाद जो एंड रिजल्ट आता है उसको व्यवस्थित बोलते हैं। एंड रिजल्ट आपको मालूम नहीं है, एक ग्लासवेयर है वो फूटेगा या बचेगा आपको मालूम नहीं है, है ना? आपका एफर्ट पॉजिटिव में है लास्ट मोमेंट तक। और व्यवस्थित उसको बोला जाता है कि लास्ट मोमेंट तक एफर्ट करो और एंड रिजल्ट जो आ गया हुआ सो व्यवस्थित, यानी रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। और डेस्टिनी वाला तो पूरी लाइफ में जो होने वाला है उतना ही होगा। तो फिर आंख बंद करके हाईवे पे गाड़ियां चलाइए, पॉसिबल है? नहीं, वो एक्सीडेंट हो जाएगा। वहां उसको डाउट है कुछ हो जाएगा, तो जो डाउट आता है तो फिर आप डेस्टिनी में मानते ही नहीं। डेस्टिनी वाला तो फिर आंख बंद कर रास्ता क्रॉसिंग करना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, चलो क्रॉस करो आंख बंद करके,
ना, अरे डेस्टिनी वो पुरुषार्थ सब बिगड़ जाता है, पुरुषार्थ बिगड़ जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव कुछ है ना, पुरुषार्थ उसका अच्छा नहीं हो सकता है, वो बिगड़ जाता है, लिथार्जी आ जाती है। और ये व्यवस्थित में पॉजिटिव पुरुषार्थ है, और एक्चुअली पॉजिटिव प्रयत्न लास्ट मोमेंट तक है, और एंड रिजल्ट को व्यवस्थित बोलते हैं। समझ में आता है ना? यानी दोनों बहुत अलग चीज है ना। अपने तो हमेशा सब काम सब संजोग इकट्ठा करके पॉजिटिव रिजल्ट का प्रयत्न करते रहने का, पॉजिटिव ही होगा ऐसे प्रयत्न करते रहो। लेकिन ये संजोग प्रीडिटर्मिंड है क्या? नहीं, एक्चुअली एक्चुअली क्या है, जन्म से लेके मृत्यु, इसमें दो पार्ट है, एक इफेक्ट पार्ट है, दूसरा कॉजिस पार्ट है। कॉजिस कॉजिस में मैं अग्नेश्वरन हूं, और मैं यानी खुद कौन हूं नहीं जाना, वहां तक तो कॉजिस उसके चालू ही है। तो कॉजिस जब चालू है तो जो इफेक्ट जो आती है, इफेक्ट में उसको मालूम नहीं कि तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा, तो वो क्या सोचता है सब डेस्टिनी है, तो डेस्टिनी वो कॉजिस पार्ट बिगाड़ देता है। और व्यवस्थित किसको दिया जाता है, व्यवस्थित का ज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद में आपको ये बताया गया कि अग्नेश्वरन अलग है और आप शुद्धात्मा अलग हो, और अग्नेश्वरन जो कर रहा है वो वन ऑफ द एविडेंस है, विद द हेल्प ऑफ सो मेनी एविडेंसेस वो काम करेगा। तो आप उसको दृष्टा भाव में देखो, ज्ञाता भाव में रखे देखो, यानी आपकी बिलीफ में चेंज हो गया है। यानी बिलीफ जो रॉन्ग बिलीफ थी उसको ही इगोइज्म बोला जाता है, जिसका इगोइज्म चले गया उसके लिए कर्ता व्यवस्थित है, और वो खुद ही करता है, इगोइज्म में बैठा है वहां तक तो मैं ही करता हूं, तो फिर दूसरा किसी को करता मानेगा ही नहीं, और नहीं मानेगा तो फिर उसके कर्म चालू ही बंधे जाते हैं। और आपको कर्म स्टॉप करा के ये ज्ञान दिया कि अभी आपका जो डिस्चार्ज है वो व्यवस्थित के ताबे में है। व्यवस्थित यानी क्या, 55 के बाद 56 आएगा, 57 आएगा, 58 आएगा, 59, धीरे धीरे 100 तक डिस्चार्ज होते होते खत्म होएगा। जैसे टैंक रहती है उसमें 100 फीट हाइट का पानी भरा है, तो नया पानी स्टॉप कर दिया तो 99, 98, 97 करते करते 0 हो जाएगा। अब जिसका पंप चालू है उसका पानी कितना, 100 का 99 होएगा या 98 होएगा, कोई भरोसा है? वो पंप चालू ही उसका वो 98 हो गया, बाद में भर के नीचे वापर लिया तो 95, 90 तक जाएगा, और नीचे स्टॉप किया पानी वापरने का और पंप चालू है तो 95, 90, 91, 93, 94 बढ़ जाएगा। यानी उसका लेवल कभी डिस्चार्ज लेवल नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली करते करते घटते 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 खत्म होएगा, ऐसा नहीं होने वाला। यानी व्यवस्थित किसको दिया, इसका पंप डिस्कनेक्ट कर दिया है, अभी उसका जितना पानी है उतना ही स्टेप बाय स्टेप खत्म होते जाएगा। समझ में आता है ना आपको? यानी व्यवस्थित अलग चीज है और डेस्टिनी अलग चीज है। डेस्टिनी वाले मानते हैं कि जो होने वाला है वो हो जाएगा, पर वो खुद इगोइज्म की सीट पे बैठ के मानता है, बुद्धि से मानता है, और इगोइज्म है वो कभी डिस्टर्ब कर देगा उसका कोई भरोसा नहीं। वो 56 के बाद में 57 आने के बदले 55, 54, 53 पे चले जाएगा रिवर्स में, यानी आपको रिवर्स नहीं होएगा। क्यों? तो आप शुद्धात्मा की सीट में आ गए। यानी डेस्टिनी वो शुद्धात्मा होने के बाद डेस्टिनी है, मगर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां भी ये कभी केवल ज्ञान होने के बाद में, आपको केवल ज्ञान हो गया तो बाद में आपका डिस्चार्ज एग्जैक्ट डस्टेब कोई भी दखल वगैरह बिना दखल वाला हो जाएगा, और उतना एग्जैक्ट है वो, डेस्टिनी बोलो जो भी बोलो, पर इगोइज्म 0 होने के बाद में डेस्टिनी बोल सकते हैं, उसके पहले नहीं। और अपने अक्रम में क्या हो गया है कि आपको आत्मा का ज्ञान मिल गया, पर बीच में डिस्चार्ज इगोइज्म डिस्चार्ज बुद्धि है अभी, इसके लिए व्यवस्थित बताया कि नहीं, प्रयत्न पूरा करो और जो रिजल्ट आएगा उसको व्यवस्थित रखो, क्योंकि डिस्चार्ज इगोइज्म है। डिस्चार्ज इगोइज्म भी खत्म हो गया बाद में, मन वचन काया सहज है और डेस्टिनी बोलो तो भी हरकत नहीं। उसको एक्सीडेंट उसको दिखाई दिया, मैं बाहर जाऊंगा तो एक्सीडेंट होने वाला है, तो भी उसको डर नहीं, वो जाएंगे भी एक्सीडेंट होगा भी, उसको एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये मैं हूं नहीं, ऐसी जागृति में है वो। और ये जो मानने वाले डेस्टिनी मानने वाले तो इगोइज्म में ही है, राग द्वेष में है ही अभी, यानी बुरे के ऊपर द्वेष कर डालते हैं, अच्छे के ऊपर राग कर देते हैं, तो उसका व्यवस्थित यानी उसका पुरुषार्थ बिगड़ जाता है, यानी नेक्स्ट लाइफ में उसका
व्यवस्थित बिगड़ जाएगा। नहीं, ये पब्लिक के लिए ये है ही नहीं डेस्टिनी ज्ञान, उसके लिए तो उतना ही करना चाहिए कि किसी को दुख ना हो, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव प्रयत्न करते रहो, दुख हो गया तो पश्चाताप लो, तो ही उसकी जिंदगी अच्छी जाएगी, पुरुषार्थ भी अच्छा होगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दुनिया चलाने वाली व्यवस्थित शक्ति की। पूज्य श्री, जन्म से लेकर मृत्यु तक सब व्यवस्थित है, इसको थोड़ा हमें समझाइए और उदाहरण देकर ताकि हम लोगों के समझ फिट हो। कहाँ जन्म लेना, हमारे हाथ में है? नहीं। तो फिर किसके हाथ में है? वो परिणाम है, परिणाम कारण हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक परिणाम है, रिजल्ट है। परीक्षा देना हो हमारे हाथ में, और जब रिजल्ट आता है तो फिर हमारे हाथ में नहीं आया। तो जन्म कहाँ होना, कौन सी शक्ल मिलनी, दांत कितने आएंगे, कभी आएंगे, स्कूल में पास होगा, शादी होती है, वाइफ मिलती है, कितने सब संजोग ऊपर डिपेंडेंट है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रॉफिट बिजनेस में बढ़ेगा या कम आएगा कुछ मालूम नहीं, होने के बाद होता है कि इस लाइफ इस साल में हमने 20,000 कमाया, इस लाइफ में 2,000-2,00,000 कमाया। तो ये परिणाम जब आता है तब मालूम होता कि ये परिणाम आया। तो इसके जन्म से लेकर मृत्यु तक परिणाम है, और परिणाम सब व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। हम मानते मैंने किया कि बिगड़ गया तो दूसरे के ऊपर आक्षेप देते हैं, अच्छा हुआ तो मैंने किया मानते, वही कर्म बीज दूसरे को के डाल देते हैं। वो नहीं डाले तो फिर पुराना कर्म फल तो जीवन में आएगा। क्या ये तभी संभव है जब ज्ञान में आगे बढ़ेंगे तभी ये संभव है? हाँ, ज्ञान में आए तो ही समझ में आएगा। है तो अज्ञानता में भी जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यवस्थित है, और उसको मालूम नहीं, उसको लगता मैं ही करता हूँ, तो दखल करते रहता है, और दूसरा वो भी बांधता है, आज का जीवन में भी दखल करता है। हम आज के जीवन में दखल नहीं करेंगे, नया वो भी नहीं बांधेंगे, भीतर में समाधि में रह सकेंगे, ये ज्ञान के आधार से। पूज्य श्री, समझ फिट नहीं हो पाती ना सबको। सबको छोड़ो, हम हमारी तरफ से करना, अपनी बात ही कर रहा हूँ। हाँ, तो आप अपने समझ लो कि कमल को सब व्यवहार करना है, परिणाम आ गया, रिजल्ट आ गया, तो समझ लेना का ये सब संजोग मिलके कार्य हुआ। नहीं, आप समझ लो लुधियाना से यहाँ आना है हरिद्वार, तो आप कैसे आए? गाड़ी से। हाँ, तो गाड़ी तो आपकी आने की इच्छा आपकी थी, मुझे पहुँचना है, पर काल क्षेत्र संजोग निमित्त मिलके पहुँचते हो ना, तो ये दूसरी शक्ति के आधार है। वो समझना है कि भाव, वो भी भाव कमल का है, शुद्धात्मा का नहीं है ये संजोग। और यहाँ क्यों? तो क्या हमारा प्रोग्राम हुआ इसके लिए आप आए? हमारा प्रोग्राम दिल्ली होता तो यहाँ नहीं आते, दिल्ली आते थे। तो सब संजोग के आधार से कार्य हो जाते हैं, मेरा संजोग दूसरे का संजोग, काल क्षेत्र निमित्त, रास्ते में ट्रैफिक है तो 2 घंटा लेट हो जाएगा, तो संजोग के ऊपर डिपेंडेंट है। संजोग क्यों मिले? तो क्या हमारे कॉजेस के आधार से इफेक्ट देने के लिए संजोग मिलते हैं। कॉजेस हो गए अज्ञानता से, मगर इफेक्ट संजोग के आधार से मिलती है, यानी व्यवस्थित है वो, धीरे धीरे समझ में आएगा। दादाजी की 11वीं आप्तवाणी है, व्यवस्थित शक्ति 2 भाग है, जरूर पढ़ना। जय शक्ति। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों आज हमने जाना कि कोई भी कार्य का कर्ता ना हम है ना ईश्वर है, पर बहुत सारे संजोग मिलके कार्य होता है, जिसे हम व्यवस्थित शक्ति कहते हैं। दोस्तों जब हमें ये समझ में आता है तब हम जगत को निर्दोष देखने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही सारे सवालों के जवाब पाने के लिए सुनना ना भूले नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाए 1-877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद। नई राह हो दादाई, अब प्रत्यक्ष है।